चलिए भाई लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कुलॉम्स लॉ पे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा चार्जेस के बारे में, कि चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, चार्जेस में रिपल्शन होता है, ठीक है। और किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कुलॉम्स लॉ। फ्रेंच साइंटिस्ट थे कुलॉम, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फोर्सेस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो बेसिकली ये क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है और सिमिलर टू ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है। तो बस वहाँ पे मासेज होते थे Q1 Q2 के प्लेस पे और यहाँ पे आपके चार्जेस आ गए, ठीक। इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है और K इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। यहाँ K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻¹, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड इट एक्ट्स, जो फोर्स होता है इट एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता था एग्जैक्टली वैसे ही ये होता है, ठीक है। तो ये होता हमारा कूलॉम्स लॉ, बिल्कुल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ रहे हो आप, और आगे की जो थ्योरी आएगी वो भी ग्रेविटेशन की तरह होगी सब कुछ, ठीक है। सारे फॉर्मूले सेम आएंगे, इसलिए आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लगने वाला, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, कूलॉम से पहले कैवेंडिश का आपने नाम, कैवेंडिश का आपने उसमें नाम पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, ठीक है। इन्होंने कूलॉम्स लॉ को प्रूफ किया था, ठीक है। तो कैवेंडिश ने एक्चुअली कूलॉम्स लॉ को, कूलॉम्स लॉ तो था ही नहीं तब, कैवेंडिश ने ये जो ये है आपका जो लॉ है K Q1 Q2 / R², इसको प्रूफ कर लिया था थ्योरेटिकली, बट वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए थे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया, कूलॉम्ब ने प्रूफ किया, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, कूलॉम्ब्स लॉ। अगर कैवेंडिश ने इसको, अच्छा कूलॉम्ब ने पेपर पब्लिश कर दिया था एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके, कूलॉम्ब ने पेपर पब्लिश कर दिया और उनके नाम पर बन गया कूलॉम्ब्स लॉ। और कैवेंडिश ने इनसे 8-10 साल पहले प्रूफ कर लिया था, बट पता नहीं उन्होंने पेपर क्यों पब्लिश नहीं किया, शायद उनके पास कोई इसका सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, नेचर के जितने फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, अगर आप पूछोगे ना कि कूलॉम्ब ये जो फोर्स एक्ट कैसे करता है, तो वो अभी हमारे डिस्कशन से बाहर की बात है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तक एक्चुअली प्रूफ ही नहीं हो पाया है कि सारे फंडामेंटल फोर्सेस कैसे काम करते हैं। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है दो मासेस के बीच में एक्ट करता है, तो उसमें कुछ थ्योरी दी जाती है कि उनके बीच में पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, दो मासेस के बीच में पार्टिकल्स के एक्सचेंज से फोर्स आता है। सिमिलरली यहाँ भी यही थ्योरी दी जाती है कि दो चार्जेस के बीच में कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है और उन पार्टिकल्स के एक्सचेंज से उनके बीच में फोर्स आता है, ठीक है। तो उस पर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सिर्फ देखना है कि लॉ कैसे काम करता है, ठीक है। देखो फिजिक्स की भी लिमिटेशंस होती हैं, फिजिक्स क्या होता है ना, फिजिक्स लॉ तो निकाल देता है, लॉ तो पता चल जाएगा आपको कि यूनिवर्स में चीज़ें हो कैसे रही हैं, है ना, लेकिन क्यों हो रही हैं, कभी कभी हम ये फिजिक्स से इस बात का आंसर नहीं दे पाते, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये नहीं पता चल पाएगा कि ये फोर्स क्यों एक्ट करता है, किस लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स प्रॉपर्टीज देखते हैं भाई, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन की तरह कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। हाँ ये बस ग्रेविटेशन से डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये एक मेजर डिफरेंस है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ की एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ से बहुत सारे और लॉ डराइव हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों को बताना पड़ता है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है, देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कूलॉम्ब्स लॉ होता है किसके लिए बताइए, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अगर पॉइंट चार्ज हैं तो उन्हीं में आप कूलॉम्ब्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे, अट्रैक्शन रिपल्शन तो सब में होगा, लेकिन कूलॉम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक, पॉइंट चार्जेस के लिए, या फिर इट इज एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल बॉडीज। लेकिन अगर आपको पूछता है तो आप वहाँ पे पॉइंट चार्जेस बोलेंगे, लॉ एक्चुअली पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। अगर आपको लिखने को आता है एग्जाम में तो वो लाइट पॉइंट चार्जेस, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि इट इज एप्लीकेबल बिटवीन स्फेरिकल बॉडीज, अगर ये एक स्फेयर है इस पे चार्ज Q1 है, एक स्फेयर ये है इस पे चार्ज Q2 है, यू कैन ज्वाइन द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एंड यू कैन राइट K Q1 Q2 / R², ठीक है। या फिर एक आपके पास स्फेरिकल बॉडी हो एंड देन यू हैव ए पॉइंट चार्ज, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज हो, यहाँ भी ये लॉ चल जाएगा K Q1 Q2 / R², ठीक है। बट क्या होगा,
इफ़ यू हैव टू क्यूब्स, अगर मैं दो क्यूब ले लिए और इनके सेंटर में डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने इसका सेंटर ऑफ मास उठाया, इसका सेंटर ऑफ मास उठाया और आपने जाके फोर्स निकाल दिया कूलॉम्स लॉ, ठीक है। यह एक रॉड ले लेते हैं, एक हमने रॉड ले ली, ठीक है, और ये हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इसका सेंटर यहाँ पे ले लो और इसकी डिस्टेंस आर लेके आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ओके, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, स्फेरिकल चार्ज, ठीक है, स्फेरिकल चार्ज एंड पॉइंट चार्ज, इसमें भी चल जाएगा, ठीक है। और बिटवीन स्फेरिकल चार्जेस, अगर दो स्फेयर पे चार्ज हैं तब भी लॉ चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू स्फेरिकल चार्जेस, बिटवीन ए पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज, ठीक है। बाकी कहीं भी कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, हालांकि अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसका सेंटर ऑफ मास ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास ले लो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो कूलॉम्स लॉ का, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, के। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो कूलॉम्बिक फोर्स होता है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स होता था वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था, ये मीडियम पर डिपेंडेंट होता है। तो होता क्या है, जो उसका कॉन्स्टेंट के है ना, ये हर मीडियम का डिफरेंट होता है, ठीक है। ये जो कॉन्स्टेंट के आता है ये हर मीडियम का डिफरेंट होता है। तो अगली स्लाइड में हम लोग अगली क्लिप में ये डिस्कस करेंगे के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लिप में मूव करते हैं हम लोग।